हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजाइनर कटिंग में। आज हम आपको जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था और उसका पैटर्न आपको काटना बताया था, तो मैं आज आपको उसकी स्टिचिंग बताऊंगा। और पहले हम कपड़े पे रख के पैटर्न को काटेंगे, उसके बाद मैं आपको स्टिचिंग इसका करके बताऊंगा। तो जो हमारा साइज है आप वहाँ जाके देख सकते हैं, हमारा 34 का साइज था और उसका हम आज स्टिचिंग का वीडियो डाल रहे हैं। तो पहले हम इसको मार्क करेंगे और उसके बाद इसकी पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगा। तो हमने ये ब्लाउज का कपड़े पे जो पैटर्न रखा हुआ है, हमने ब्लाउज का कपड़ा ले लिया है, उसमें हमने ये फ्यूजिंग किया है, इसमें हमारी फ्यूजिंग करके हमने इस पर रखा है। अब इसमें हम मार्क कर लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमने ये पैटर्न बैठा लिया है, हम इस सबका पहले इसे रख के इस पर मार्क कर लेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम इस सबको पहले चौक मिट्टी से ऐसा लगा लेंगे, फिर उसके बाद इसका कटिंग करेंगे। आपको ऐसे ही रख लेना है और कपड़े पे अगर आपको फ्यूजिंग चिपकाना है तो आप फ्यूजिंग चिपका सकते हैं, या फिर अगर इस फ्यूजिंग की जगह पर आप कपड़े भी रख सकते हैं। तो इन सब के बाजू से हम पहले चौक लगा लेंगे, उसके बाद इसमें मार्क भी लगाएंगे ताकि हमारा निशान दिखे, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से लगाना है ऐसा। उसके बाद हम बैक का भी निशान लगा लेंगे। ये हमारा ओपन रहेगा तो आपको एकदम स्ट्रेट रखना है, और ये पोर्शन आपको स्ट्रेट रखना है, नहीं तो ये कपड़ा ऑवरहेड हो जाएगा तो आपको दिक्कत देगा। ये हमारा बैक लग गया और ये हमारा योक जो रहेगा वो पट्टी है हमारा, तो हम इसके भी मार्क लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको अस्तर पर रख के भी काटेंगे उसको। ये हमारा मार्क लग गया, अब हम इसको इस मार्क बिल से मार्क कर लेंगे ताकि हमारा निशान साफ दिखे ऊपर। आप इस समय अच्छे से मार्क कर लें ताकि आपको निशान के हिसाब से चलना रहेगा, क्योंकि हमारा पैटर्न फिक्स है। तो इन सबको आपको अच्छे से ऐसा मार्क कर लीजिए। Thank you.
बहुत ही इजीली आपको ब्लाउज ये बन के इस मार्क के हिसाब से हम चलेंगे इसमें सब जगह पे। पहले हम मार्क पे निशान उठा लेंगे मशीन से ताकि हमारा निशान मिटे नहीं। तो ये हमारा हो गया, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमको इसमें आधा इंच की दबाव लेके चलना है हर जगह, क्योंकि हमारा दबाव पैटर्न में नहीं था। तो हमको जितना दबाव लेना है उतना दबाव हम लेके चलेंगे। क्योंकि ये हमारा मार्क पे सिलाई रहेगा। और साइड की तरफ हम ये इतना एक डेढ़ इंची हम दबाव रखेंगे हमारा लूज टाइट के लिए, ये इतना हम दबाव इसमें रखते हैं। तो आप भी रख लें इसमें और इसको भी आप दो पार्ट में हमको काटना रहेगा। इधर की तरफ आपको दबाव रखना है। इसके बाद हम बैक की भी कटिंग कर लेंगे और इधर तरफ आपको बढ़ा के थोड़ा रखना है साइड की तरफ। बाकी जगह पर आपको आधा इंच लेके चलना है दबाव। तो ये हमारा कट गया, अब हम आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। तो आस्तीन में भी हमने फ्यूजिंग चिपका के रखा है, ये हमारा हम थोड़ा प्रेस मार लेंगे। और आस्तीन में बैठा के हम मार्क लगा लेंगे। ये हमारा फॉर्मा कटा होता है, ये बिल्कुल हमको बैठा के कुछ नहीं करना रहता हमको बाद में, आराम से फर्मा बैठाएं और इसको काट लें। इधर भी आपको मार्जिन लेके चलना है आधा इंच, और इस तरफ आपको कम से कम 1 इंच मार्जिन छोड़ना है और इधर से आधा इंच छोड़ना। अब हम ये बैठा के इसी को भी काट लेंगे जल्दी से। तो इसको भी हम ऐसे बैठा के काट लेंगे। और इस तरफ आप खाली मार्क लगा लें क्योंकि आपको साइड मारने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम इसका इसी को बैठा के हम अस्तर को काटेंगे। तो हमने सबको पहले ही काटा है, तो हम इस पर अस्तर बैठा के भी काट लेंगे इसमें। ये हमारा सेंटर है, तो आपको इसको सीधा रखना है।
इसको आपको अच्छे से बिठा लेना है, ये हमारा स्तर थोड़ा कम है, इसके लिए हमको थोड़ा बैठाने में एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम इसको बराबर से काट देंगे, इसको क्योंकि हमारा वो फिक्स कटा हुआ है। ये हमारा कट गया, अब हम स्टीम का भी बैठा के काट लेंगे। हम आस्तीन का भी हाला सामने से, यहाँ से जो हमने आपको पैटर्न में बताया था, यहाँ से इसे निकालते हैं। तो ये हमने निकाल दिया, आप यहाँ से आप हाला निकाल दें। तो ये हमने निकाल दिया, आप इस पर आप रख के इसका बराबर से आप इसका हाला निकाल दें। तो ये हमारा नहीं हो गया, तो हमारी ये कटिंग हो गई है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करके बताएंगे। तो दोस्तों हम मशीन पे आ गए हैं और हम अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम अपना प्रिंस कट जो है हम उसको पहले जोड़ लेंगे। जो हमारा प्रिंस से पहले हम उसको उठाएंगे और जोड़ेंगे, पहले उसको ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा है, तो ये हमारा इधर ज्वाइंट रहेगा। तो हम पहले इसको ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम इस सब पे पहले मार्क लगा लेंगे मशीन से, ताकि हमारा निशान ऊपर की तरफ दिखे।
ऐसे हम सब में मार्क लगा लेंगे पहले। तो हमने सब पे मार्क लगा लिया है, अब हम इसकी ज्वाइन करेंगे पहले प्रिंस। तो पहले हम प्रिंस को जोड़ लेंगे, जो प्रिंस कट है हमारा। तो पहले हम इस पार्ट को जोड़ेंगे इसमें। इस पार्ट को हम इसमें ज्वाइन करेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारा है और ये हमारा निशान लग गया है और ये हमारा निशान पे निशान चलेगा। तो हम पहले इसमें मिला के पहले इसको ज्वाइन करेंगे। इसको आपको बड़ा ध्यान से जोड़ना है। ये हमारा पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको सही से जोड़ना रहेगा और ये हमारा इधर आके ये निशान बाय निशान मिल जाएगा। ये तो ये हमारा कुछ ऐसा रहेगा। अब हम दूसरा पार्ट भी जोड़ लेंगे इसमें। तो आप ऐसे ही जोड़ लें, यहाँ से इसको हमने ऊपर से जोड़ा था, लेकिन आपको इधर से आपको बैठाना है, इसको नीचे रखना है और इसको आप ऊपर रखें। ये हमारा हो गया। इसी तरह हम बैक और अस्तर को भी ज्वाइन कर लेंगे। हमारा एक तरफ का हो गया। अब इसमें मिला के रखें, इसमें उल्टा सीधा
ये हमारा पोर्शन है, तो ये हमारा इधर से ज्वाइंट होगा, तो हम इसको ऐसा रख के जोड़ रहे हैं। ये हमारा ज्वाइंट हो गया, अब हम इसमें स्टीम करके इसको और इसको हम अच्छे से चीर लेंगे ऐसा। तो हमने इसको प्रेस मार लिया है, आप देख लीजिए हमने इसको चीरा कर लिया है प्रेस से ऐसा। तो आप ऐसा ही कर ले, इसको ऐसा प्रेस मार लेना है आपको अच्छे से। और इसके बाद ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से हो गया ये, और हमने अस्तर में भी प्रेस लगा लिया है ये, तो हम इसको एक तरफ गिरा दिए हैं और इसको हमने ऐसा कर दिए। अब हम बैक का शोल्डर इसमें ज्वाइन कर लेंगे, तो बैक का हम पहले इसमें शोल्डर ज्वाइन करके उसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो आप बैक का ऐसा रखें फ्रंट और बैक, और दोनों मिला के आप इसमें शोल्डर ज्वाइन कर दें। और अस्तर में भी जोड़ लेना है आपको बैक फ्रंट, अस्तर में भी आपको ऐसे ही सेम जोड़ लेना है जैसा हमने इसमें ज्वाइंट किया है। उसके बाद हम गले में कोट डोरी लगा के पल्टी करेंगे, ताकि हमारा फिनिशिंग के लिए कोट डोरी चाहिए। तो हम पहले कोट डोरी बना लेंगे, तो ये सेम कपड़ा हमने ले लिया है, सेम कपड़े का हम कोटरी बनाएंगे। हमने इसको 22 में काटा है और एम में, उसके बाद हम उसको गले को पलटेंगे। पहले हम कोटरी बना लेंगे इसमें, तो आप इस तरह से उसका कोटरी बना लें ऐसा, और एम में काटना है आपको। तो हमने ये कोटरी आप देख लीजिए, अगर आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, काफ़ी एक ही बार में आपका बन जाएगा। और
अच्छे से बन जाएगा। ये देख लीजिए, हमने एक ही बार में पूरा बना लिया। इसके बाद हम इस गले में लगाएंगे, तो इसको हम अभी लगाने के बाद इसमें प्रेस करके इसको चीर देंगे। तो हम यहाँ से कोट दूरी लगा लेंगे इसमें, ये पॉइंट से। उसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे बाद में, पहले इस पॉइंट से हमको कोट दूरी लगा लेना है। तो आप ऐसे लगा लें, ये निशान हमारा दिख रहा है। और कोट दूरी को आपको थोड़ा सा टाइट रखना है, क्योंकि हमारा नेक जो है काफ़ी डीप है। और इसको आपको ऐसा बीच से चीर देना है। और दूसरे में भी हम लगा लेंगे इसमें। इसको आपको एक तरफ नहीं गिराना है, बल्कि चीर देना है सेंटर से। ये हमारा ऐसा रहेगा, तो हमारा नेक टाइट रहेगा। अब हम इसकी पलटी कर लेंगे। तो हम मास्टर लग रख के इस पर इसको हम पलटी कर लेंगे। तो ऐसे आपको इस पर रख लेना है, इस पर बिठा लेना है आपको बराबर से ऐसा। उसके बाद आपको जैसे ये बराबर से आपको रख के चलना है। ये हमारा खींच गया, क्योंकि ये हमारा अस्तर और है काफ़ी, तो हम इसमें हल्का नम दे के चलाएंगे, नहीं तो आपका भी खींच जाएगा। यह अब अपना हल्का हल्का नम दे के इसको चढ़ाएं, क्योंकि ये औरेब है तो ये काफ़ी भागता है। और हमारा जो नीचे का कपड़ा है, थोड़ा तो हमने कोडोरी टाइट लगाया है, तो इसकी वजह से थोड़ा हमारा घट भी गया है। तो आपको इसमें एडजस्ट करना है। ये हमारा स्तर है, इसको भी आप चीर दें, ताकि हमारा शोल्डर पे मोटा ना हो जाए। और आप देख लें, कर हमारा बढ़ तो नहीं रहा, तो हम उसी हिसाब से आराम से इसको लाएंगे और इसमें ऐसा मारते हुए चलाएंगे। अस्तर आप थोड़ा लूज ही रखें, इस तरह हम दूसरों को भी ऐसे ही सिलाई कर लेंगे इसमें।
तो आप इसको हल्का नम देते हुए आ जाए। उसके बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये दबाव आपको बराबर से छांट लेना है, बिल्कुल आपको दो एक से डेढ़ एक फुट दो सूत आपको इधर रखना है, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे आपका गला नहीं बैठेगा सही से। तो आप इसको अच्छे से बराबर से इसको छांट लें ताकि आपका गला अच्छे से बैठ जाए। अगर आप इसको नहीं छांटेंगे तो आपका गला सही से नहीं बैठेगा। तो आप इसको अच्छे से छांट लें। उसके बाद हम इसमें प्रेस कर लेंगे, इसको अच्छे से बिछा लेंगे प्रेस करके। उसके बाद हम इसमें कफ्स लगाएंगे। उसके बाद हम तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको अभी हम इसको प्रेस करके ऐसा बिठा लेते हैं। तो हमने ये प्रेस मार लिया है, अब देख लीजिए ये हमारा पलट गया इधर से। तो ये हमारा ये ब्लाउज ये देख लीजिए, हमने इसमें प्रेस मार दिया है और ऐसा ये हो गया। अब हम इसकी इधर से स्टिच कर देंगे, इधर से हम इसकी स्टिच कर देंगे और उसके बाद हम इसमें कफ्स लगाएंगे। तो आप इधर से बैठा के बराबर से ऐसे जो हमने पहले निशान लगाया था उसी निशान पे आपको ऐसा बराबर से इसमें सिलाई लगा लेना है ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना भागे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम इधर से भी लगा लेंगे। और बाहर से हम कोट डोरी दे के इसको पलटेंगे। तो आपको इस निशान पे जो हमने निशान लगाया था ये साइड का, आपको इसी पे बराबर से पूरा कच्चा कर लीजिए ताकि आपको जब हम साइड लगाएंगे इसका तो हमारा नीचे से सिलाई दिखेगा। तो आप इसी पे ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आरमोल पे भी आपको इधर से देखना है, कपड़ा इधर से आपका बराबर होना चाहिए और ये पूरा लगा लें ऐसे। और इधर से आपको देख के चलना है और इधर से हम छोड़ देंगे क्योंकि हम अभी इसमें कप्स लगाएंगे। तो ये आपका बड़ा है, इसको आप बराबर से इसको बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम इसी तरह से इसमें भी कर लेंगे। इधर आपको देखना है, इधर से आपको अस्तर नहीं निकलना चाहिए। तो आपको आराम से ये बैठाते हुए आपको जाना है क्योंकि हमने निशान इस पर सिलाई पहले ही लगा लिया था, इसलिए हमारा ऊपर से दिख रहा है। हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बाहर, हमारा क्योंकि निशान सब लगा हुआ है तो हम उस पर आराम से निशान लगा के चले जाएंगे उसी पर।
बिल्कुल आराम से आप बना सकते हैं ब्लाउज। एक बार आपका पैटर्न अगर सही कट गया, फिर हम उस निशान पे ही मारते हुए चले जाते हैं। आपको कहीं भी इधर उधर छांटने उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा वो फिक्स रहता है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें कफ लगाएंगे। तो हमने कफ पैड ले लिया है, अब हम इसमें पैड लगाएंगे। ये हमारे इधर से बड़ा है, तो हम इसमें थोड़ा सा छांटेंगे। तो हमारा नेक काफ़ी डीप है, हम इधर से पहले बैठा कर देख लेंगे हमारा कितना छटेगा इसमें। तो ये हमारा इतना छटेगा, तो हम यहाँ से इतना छांट देंगे और इतना बिठा के इसको भी छांट लेंगे। इसमें ये जितना हमारा छटा है, इतना हम इसको भी छांट लेंगे। अगर आपका नेक इतना डीप नहीं है, तो आप इससे आपको छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा, अब हम इसको इसमें बिठा लेंगे। तो ये देखिए, यह आसानी से बैठ गया। यह मैंने काट दिया है इधर से, तो ये बैठ गया आसानी से। ये बिल्कुल सट के रहेगा, इसके बिल्कुल चिपक के इसके रहेगा। उसके बाद हम इसमें एक टार्चिंग लगा लेंगे। उसके बाद हम दूसरा पे भी लगाएंगे। तो ये हमारा ऐसा रहेगा। अच्छे से आपको इसको बिठाना है। आप यहाँ देख लें, ये हमारा कप्स कहाँ आ रहा है। उसके बाद यहाँ भी आपको बराबर रखना है। ये इस तरह से हमारा जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हमारा डीप ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम इसमें योक ज्वाइंट करेंगे।
तो ये बैठ गया हमारा। टचिंग लगाओ उसे, एक दो दिन लाना, दो तीन। इसमें आप टचिंग लगाना, उसके बाद आप इसको ऐसे करके इसमें ऐसे उल्टा कर लें और इसमें हम कप्स को फंसा देंगे। ऊपर वाले पार्ट में आपको नहीं फंसाना है क्योंकि वो गंदा दिखता है, तो हम नीचे वाले पार्ट में फंसाते हैं। तो इसमें हम फंसा देंगे ऐसा, तो आप इसको कप्स में ऐसे लगाएं। और इसको अच्छे से फंसा दें ऐसा, आप अंदर तक ज़्यादा फंसाते चले जाएं। आप चाहें तो अंदर से भी फंसा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होता है इसलिए हम यहाँ से फंसाते हैं। तो ये हमारा बैठ गया, अब हम इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए, उसके बाद हम इसको भी फंसा लेंगे। और भी हमारी जितनी भी स्टिचिंग वाली वीडियो आएगी, तो जैसे हमारा ऑर्डर काफ़ी हमारे पास हैवी ब्लाउज़ का ऑर्डर रहता है, तो मैं आपको हर तरह का कटिंग और उसके बाद स्टिचिंग भी बताऊंगा, और आपको बिल्कुल ईजी बताऊंगा सिलना। आप आराम से सिल सकते हैं और बेहतरीन फिटिंग के साथ आप सिल सकते हैं। तो ये हमने इसमें कप्स को अटैच कर दिया है। अब हम इसका योग को ज्वाइंट करेंगे। तो जो हमारा योग था ये है, तो हम पहले इसको चिपका लेंगे। इस पर भी हम निशान लगा लेंगे इस पर। तो हम इसमें पहले इसको लगा के फिर उससे पलटी करेंगे। ये पॉइंट से आपको मिलाना है, आपको इस पॉइंट से आप देख लीजिए ऐसे इसको मिला के रखना है, ठीक है। ये हमारा जो साइड है ये हमारा साइड में मिल जाएगा और नीचे हमारा ये योग मिला रहेगा।
उसके बाद हम इसको रख के पलट लेंगे इसको। ये हमारा ऐसा तो हम इसके बराबर से रखेंगे इसको ऐसा। उसके बाद हम इसमें ऊपर से सिलाई मार देंगे। उसके बाद इसकी दबाव आप थोड़ा छान दो ताकि बैठने में आपको दिक्कत नहीं करे। इसमें हम थोड़ा प्रेस लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो इस पर सिलाई भी मार सकते हैं, लेकिन हमारे में सिलाई ऊपर नहीं रहेगा इसलिए हम इसमें प्रेस लगा लेंगे। तो हमने इसमें प्रेस लगा लिया है। अब हम इस निशान पे कच्चा कर लेंगे इसको। तो ये हमारा इधर से देख लीजिए पक्का हो गया। ये हमारा इधर से सिलाई लग के पलटी हो गया इधर, और इधर हमारा ऐसा हो गया। और इसको भी हम ऐसा ही कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी सेंटर का ज्वाइंट कर लेंगे। अब ये सेंटर का ज्वाइंट ऐसा रख के आप कर लीजिए। ये मैं अपने तरीके से बताया हूँ आपको, वरना मैं चाहूँ तो इसको एक साथ लगा सकता हूँ और पलटी करके लगा सकता हूँ, लेकिन ये क्योंकि ऐसे आपको अच्छा भी रहेगा और जल्दी भी आपका बन जाएगा। और अंदर हम इसमें ओवरलॉक करके तुरपाई कर देते हैं। ये हमारा निशान बन निशान बैठना चाहिए। ये हमारा थोड़ा अलग हो गया।
ये हमारा क्योंकि पोजीशन मिला नहीं, यहाँ से हमको एकदम बराबर प्रॉपरली मिलाना है आपको। यहाँ से बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल ऐसा मिलाना है आपको, ये बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए आपको। तो ये देखिए, ये हमारा योग भी हो गया और ये आपको फूकेगा नहीं यहाँ। और इसको हम ऐसा ओवरलॉक करके इसको बीच से अच्छे से इसको फिनिशिंग कर देंगे। तो ये हमारा दोनों हो गया, ये देख लीजिए। इसमें हम अच्छे से प्रेस करेंगे इसको और ज्वाइंट करेंगे और ये हम बहुत ही खूबसूरत ये हमारा बैठेगा और एकदम परफेक्ट बैठेगा ये हमारा। उसके बाद हम इसमें ऐसा कोट डोरी डाल के ये राउंड कर लेंगे। ये हमारा कोट डोरी जो है हम बैक फ्रंट में कोडोरी लगा के इसको अंदर की तरफ फिनिशिंग कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको पहले कोडोरी लगा के इसको पल्टी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो लूज़ रहता है इसके लिए हमने बनाया कई बार, इसलिए आप बाहर से कोडोरी डाल के इसको ऐसे करें ताकि ये अच्छा से बैठे। तो हम इसको पहले प्रेस कर लेंगे ओवरलॉक मार के। तो हमने प्रेस कर लिया है इसको, आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल ही अच्छे से ये बैठ गया, देख लीजिए। ये हमारा बिल्कुल अच्छे से ये देखिए बैठ गया ये अच्छे से ये। आप देख सकते हैं इसको, देखिए ये हमारा बिल्कुल सेंटर से अच्छे से बैठ गया है और इधर हमने इसमें ओवरलॉक कर दिया है और इसको हम फिनिशिंग कर देंगे अच्छे से। ये आप पल्टी भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपको अच्छे से नहीं बैठेगा। और ये हमारा देखिए अब हम इसके नीचे और साइड बैक में इसमें कोडोरी लगा लेंगे, उसके बाद हम उसमें उसकी फिनिशिंग कर देंगे। आप चाहें तो कोडोरी लगाएं, नहीं तो आप खड़ा कपड़ा लेके कोई सा भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कोडोरी होता है तो अच्छा होता है, तो आप उसके हिसाब से रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और बैक में भी हम लगा लेंगे इसे।
तो ये कपड़े लेके हम इसको फिनिशिंग दे देंगे और इसमें हम तुरपाई करते हैं, तुरपाई करेंगे। अब इसके हम इसमें से दबाव निकाल देंगे, थोड़ा आप दबाव इसमें ना रखें ज़्यादा, कहीं भी आप दबाव रखते हैं ज़्यादा तो आपका जो भी पीस होता है नहीं बैठता है, तो आप उसको दबाव निकाल दें। उसके बाद हम इसमें तुरपाई कर देते हैं नीचे की तरफ, और इसमें और भी फिनिशिंग से बनती है ये ब्लाउज़, लेकिन मैं आपके आसानी के लिए बताया हूँ, वरना मैं अगर चाहूँ तो आपको पूरा ये ऑल ओवर पल्टी करके बना सकता हूँ मैं इसको। और आगे अगर हमारी जो वीडियो स्टिचिंग की आएगी उसमें हम आपको और फिनिशिंग के साथ बताएंगे। तो ये हमारा जो है ऐसा ये फिनिशिंग हो जाएगा ऐसा, तो हम इसमें आप कच्चा कर लेंगे पहले, आप इसमें कच्चा कर लें क्योंकि मुझे आपको बताने के लिए इसमें थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है, वरना ये और भी फिनिशिंग से बनता है, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ कि आपको बस एक आइडिया मिल जाए कि हाँ बनाना कैसे है, नहीं तो ये और भी फिनिशिंग से बनता है ये। नॉर्मली ब्लाउज जो है वही ऐसा ही बनता है, और क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर के डिज़ाइनर का ही पीस होता है तो हम डिज़ाइनर वाला ही ब्लाउज ज़्यादा काटते हैं और उसी का स्टिचिंग करते हैं। तो जो हमारी आने वाली जो स्टिचिंग वीडियो रहेगी मैं उसमें आपको फिनिशिंग के साथ बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाता है इसके लिए मैं आपको स्टिचिंग का नहीं बताता हूँ। तो ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये हमारा हो गया। अब हम बैक में हम एक पट्टी लगाएंगे, वैसे तो हम पट्टी अलग से नहीं लगाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको बताने के लिए अलग से ही पट्टी, इसमें आप कोई भी कपड़ा लेकर उसमें आप अलग से लगा दें। और जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी स्टिचिंग की, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त ने मुझे कहा है कि आप स्टिचिंग करके बताएं, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है और कारीगर रहते हैं तो उसमें काफ़ी मशीन की आवाज़ें आती हैं अलग अलग, तो आप लोग को सुनने में भी दिक्कत होगा, इसके लिए हम उसमें वीडियो नहीं बनाते हैं। तो हमारा इस तरफ इधर हमारा हुक रहेगा और इधर आई रहेगा, तो इसमें हम हल्का दे देंगे इसमें ऐसे, ये हमारा थोड़ा छोटा होगा।
थोड़ा बड़ा ले लें आप इसमें। और सिंपली आपको इधर पलटी करके आपको इधर ऐसा आपको अंदर की तरफ ऐसा कर देना बस। ये इस तरफ हमारा हुक लगेगा, तो बस हम ऐसा करके इसमें तुरपाई कर देंगे। तो हम पहले इसको कच्चा कर लेंगे। फिर हम इसको इसमें तुरपाई कर देंगे और ये हमारा बढ़ता हुआ रहेगा क्योंकि इसमें हमारा आई बनेगा। तो आप इसमें भी थोड़ा कपड़ा ले लें बड़ा के ऐसे और ऐसा रखें इसको और इसको ऐसा रखें और इसको सीधा रख के आपको नीचे से सेम कपड़ा रखना है और इसको आपको बढ़ा कर रखना है ये ऐसा। ये हमारा बढ़ के रहेगा तो इसको आप थोड़ा सा इसको ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और जो हम लोग दूसरी ब्लाउज बनाते हैं उसमें स्टील का जो हमारा वो आता है मेटल वो लगाते हैं इसमें और आई नहीं लगाते हैं, यानी जो धागा से हमारा बनता है ऐसा इसमें हम लोग वो नहीं लगाते हैं, मेटल का ज़्यादातर के लगाते हैं हम लोग। तो आप ऐसे करके इसको ऊपर की तरफ सिलाई लगा दें। अच्छे से इसको बैठा लें आप। अगर चाहें तो आप इसको ऐसा करके ऐसे भी मार सकते हैं, इसको हम पलटे भी कर सकते हैं। यहाँ इसको पलटी भी कर सकते हैं इसको ऐसे। इधर हमारा क्योंकि पॉइंट रहेगा तो पॉइंट की तरफ से आपको थोड़ा सा अंदर करके इसमें अंदर से बैठाना पड़ेगा। बाकी हमारा इधर से तुरपाई हो जाएगा। ये हमारा ऐसा इसको ऊपर फोकाई हो जाएगा। अब हम इसकी साइड लगा देंगे। तो साइड हमारा जो हमने ये निशान पहले उठा लिया है तो ये देखिए हमारा परफेक्ट आ गया। अब हम इसकी साइड लगा लेंगे। उसके बाद हम आस्तीन बना के चढ़ा देंगे। पहले हम अपना वेस्ट नाप लेंगे। हमारा वेस्ट क्या है
तो हमारा वेस्ट था 28, तो ये हमारा 7 है और ये भी हमारा परफेक्ट है। इधर कभी हम साइड लगा लेंगे, अब हम इसकी आस्तीन बना के चढ़ाएंगे। तो ये हमारा इतना रेडी हो गया, आप देख लीजिए। अब हम इसकी आस्तीन बना के लगाएंगे। तो आस्तीन में हमारा अस्तर है, तो हम इसको पहले पलट लेंगे ऊपर की तरफ। इसमें हम कोट डोरी नहीं लगाएंगे। उसके बाद इसको आप प्लेट के ऐसे लप पे सिलाई लगा लें ताकि ये आपको आसानी से। हो जाएगा। इसमें आप प्रेस लगा के इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करने के लिए तोड़ लीजिए ऐसा। इसमें हम के बाद आप कच्चा कर लें चारों तरफ। ध्यान देना आपको ये निकले बाहर नहीं। इसको भी आप बैठा लें, सब कच्चा कर लें।
इसमें हम थोड़ा प्रेस लगा लेंगे। तो हमने इसको प्रेस मार के बैठा लिया है, उसके बाद हम इसकी साइड लगा देंगे। तो हमारा जितना साइड है, आप जो आपका जितना है आप उतना कर लें, हमारा क्योंकि ये 9 इंच का, तो हम उसको लगा देंगे। उसके बाद ये हमारा यहाँ रहेगा 6.5। हम गोल आस्तीन चढ़ाते हैं, डायरेक्ट हम नहीं चढ़ाते इसमें। गोल आस्तीन आप चढ़ाएं, क्योंकि राउंड आस्तीन अच्छा रहता, बैठता है आपको। अब हम इसकी आस्तीन चढ़ा देंगे, ये हमारा बन गया। इसको आप सीधा कर लें, ये थोड़ा पॉइंट आप हल्का उतार दें। अब हम इसकी आस्तीन गोलाई चढ़ा देंगे, इसको आप सीधा करके। तो ये हमारा हाला निकला हुआ है, हम इसको रख के इसको आस्तीन चढ़ाएंगे। और ये जो होता है हमारा पार्ट इसमें, तो हम लोग इसमें ओवरलॉक नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम लोग इसको ऐसा फोल्ड कर देते हैं। अगर जिसमें वर्क रहता है तो अलग से कपड़ा लगाते हैं। इसको आप ऐसा रखें, उसके बाद इसको ऐसा कर दे, तो यहाँ आपका ये पॉइंट नहीं पकड़ेगा आस्तीन में, नहीं तो आप बाजू उठाएंगे तो आपको पकड़ेगा, तो वो ब्लाउज ऊपर खींचेगा। इसको आप ऐसा कर, तो ये क्या होता है कि वो हमारा साइड नहीं पकड़ेगा, और इसमें हमको ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये हम यहाँ पे एक टाका लगा के फंसा देंगे। यहाँ पे आपको ऐसा करना है पहले, उसके बाद इसको ऐसे लगा। तो ये आप देख लीजिए, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है ऐसा। फिर हम इसको स्टीम प्रेस मारेंगे इसको, और यहाँ दोनों फंसा देंगे, तो हमारा अंदर का बेगर ओवरलॉक का भी अच्छा बैठ जाएगा। इधर से भी हम कर लेंगे ऐसे ही। ये मैं आपको जल्दी बताने के चक्कर में थोड़ा रफ बनाया हूँ हल्का, वरना हमारी फिनिशिंग काफ़ी हेवी होती है। उसके लिए हमको भी एक ब्लाउज़ बनाने के लिए कम से कम 3 घंटा चाहिए होता रहता चाहिए रहता, तो काफ़ी लंबी वीडियो हमारी बन जाएगी। इसके लिए मैं आपको कटिंग जल्दी नहीं बताता हूँ, स्टिचिंग जल्दी मैं नहीं वीडियो डाल दूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा अगर स्टिचिंग का, तो मैं 2-3 पार्ट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि एक साथ बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया, अब इसमें हम आस्तीन चढ़ा देंगे। तो पहले हम आम नाप लेंगे कि हमारा बराबर है कि नहीं। आप ऐसे पहले रखें और आम देख लें कि आपका बराबर है कि नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा, अगर आपका छोटा बड़ा है थोड़ा, तब उसमें हम दबा लें। उसके बाद हम इसमें पहले सामने से चढ़ाएंगे। देख लीजिए, ये हला वाला जो है आपको सामने रखना है। यहाँ का जो है ये पोजीशन आपको ऐसा नहीं चढ़ाना है, बल्कि ये ऐसा फोल्ड करके आपको रखना है। ये ऐसा फोल्ड करके रखें, ताकि ये चीज़ आपको अगर ये पकड़ा देंगे इसमें, तो ये आपको बाजू उठाने में बहुत
दिक्कत देगा। फिर यहाँ पे रखें आप इसको, और जो हमारा निशान लगा है आप निशान पे मारते हुए चले जाए, इसको आप अंदर कर लें। उसके बाद ये गुलाई आस्तीन हमारा चलते हुए आ जाएगा। आपको ये सेंटर भी देखना है कि हमारा आउट तो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आपको हल्का शोल्डर पे आपको हल्का नम दे के चढ़ाना है, क्योंकि आपको खींचना नहीं है। यहाँ पे हल्का नम दे दें आप। यहाँ पे अगर खींच के चढ़ाएंगे तो आपका जो बाइसेप होता है वो टाइट हो जाएगा और आपका जो है शोल्डर गिरने लगेगा, इसीलिए आप यहाँ पे नम दे दें। शोल्डर पे ही खाली नम देना है, बाकी जगह पे बराबर करके चढ़ा देना है। तो ये हमारा बिल्कुल आराम से ये चढ़ गया। और आपको इसमें इतना दबाव नहीं रखना है, आपको आधा इंची से कम दबाव रखना है, इतना आप इसको छाड़ दें। क्योंकि इसमें अगर आरमोल में आप ज़्यादा दबाव रखेंगे तो आपका आरमोल बैठने में प्रॉब्लम देगा और टाइट भी हो रहेगा। तो आप इसमें कम दबाव, जो दबाव है आप उसको छाँट के ओवरलॉक मारना है, नहीं तो आप बहुत सारे कारीगर जो हैं इसमें दबाव छोड़ देते हैं, फिर उसका पीस जल्दी बैठता नहीं रहता है अच्छे से। तो इसको आप ज़्यादा दबाव न रखें इसमें, ऐसा। तो ये देखिए ये अस्तीन हमारा वन साइड चढ़ गया, अब दूसरी तरफ हम चढ़ाएंगे इसको। इधर भी आपको अंदर की तरफ इसको कर लेना है। इधर भी शोल्डर में आपको नम देना है। शोल्डर पे आपको आस्तीन में नम देना ही है, ये कंपलसरी है। अगर आप नहीं देंगे तो आपका आस्तीन फोल्ड आएगा। तो लगभग हमारा पीस बन गया और हमारी आने वाली जो नई स्टिचिंग है वो हम आपको बहुत जल्द करके बताएंगे, एक दूसरे ब्लाउज की स्टिचिंग। तो ये हमारा ब्लाउज बन के रेडी है। अब हम इसको आपको डमी में लगा के बताता हूँ कि ये कैसी दिखती है बनने के बाद। मैं आपको अभी डमी में लगा के इसको बताऊंगा। तो आप अच्छे से देखें वीडियो और अच्छे से काटें और अच्छे से बनाएं। तो ये हमारा ब्लाउज बनके रेडी है, देख लीजिए। हमने काफ़ी जल्दी आपको बताया है, अभी हम इसमें प्रेस व्रेस लगाएंगे फिर सही करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज
आप देख लीजिए बनके एकदम रेडी है अच्छा, जैसा हमने आपको बताया था। अब मैं आपको इसको डम्मी में लगा के बताऊंगा। तो शुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। तो हम पहले आपको डम्मी में लगा के दिखाते हैं, चलिए। तो ये देखिए हमारा ये ब्लाउज बन के रेडी है, आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छी फिटिंग के साथ बना है। तो आप भी ऐसा बना सकते हैं, देखिए बिल्कुल हमारा फिट बैठा हुआ है हर जगह से, आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने ही बनाया हूँ ये ब्लाउज़ को, देखिए। तो शुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली और भी तरह की हम आपको स्टिचिंग बताएंगे, और हमारा जो भी वीडियो आएगा आपके पास जल्द नोटिफिकेशन